सबसे पहले आपका स्वागत है टी पॉजिटिव में। तो ये एक नए सफ़र की शुरुआत है और हम ये कह सकते हैं कि ये अक्सर हमारे मन में आता है कि हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। लोग बहुत सारे कंपैरिजंस करते हैं। बेसिकली मैं कंपैरिजन में बिलीव नहीं करता, जबकि अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह की हमारी ख्वाहिशें होती हैं। तो उसको लेकर के मैंने एक शेर लिखा है कि कोई नहीं इस जहां में ख़ास व आम होता है, कोई नहीं इस जहां में ख़ास व आम होता है, हर शख्स यहां अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है। कोई नहीं इस जहां में ख़ास व आम होता है, हर शख्स यहां अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है। हम भी बैठे हैं यहां एक ख्वाहिश को दिल में लिए, देखना है इस ख्वाहिश का क्या अंजाम होता है। ठीक ये है। और इसके बाद एक कविता है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह से है कि सॉरी वो मुझे याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा देख के बोलूँगा। ये अक्सर होता है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद लोग समझ नहीं पाते कि उसे डील कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें लाइफ में, जबकि वो ज़रूरी है। तो उस पर कुछ मैंने, हाँ लगभग सबका हो ही जाता है, सभी भूत प्रोवाइडेड ही होता है, एक ना एक बार तो ज़िंदगी में होता ही है। तो ये कुछ इस तरह से है कि वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं, वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं, ज़िंदगी में ये एक नया सबक अपने आप को सिखाते हैं। बहुत देर घूमे बहुत देर भटके, बहुत देर घूमे बहुत देर भटके, बहुत देर तक किसी मंजिल की तलाश की, वो गलियां जो समझ नहीं आईं, वो गलियां जो समझ नहीं आईं, चलो उन गलियों से वापस लौट आते हैं। वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं। थैंक यू। मैंने देखा था एक ख्वाब और उसको सजाया भी था, खुद को थोड़ा सा दुखी करके उसको हंसाया भी था। अब हंसी मजाक दिल के टूट जाने और फिर उसे मनाने के सिलसिलात से बाहर आते हैं। वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं। कभी लगता है कि शायद वो नहीं है तो ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है, फिर ये लगता है उसके ना होने पर भी ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं है। अब इन एहसासों के बवंडर से खुद को समेट लाते हैं। वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। अच्छी बातों को याद रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी रिलेशनशिप्स में अगर कोई हो, किसी भी तरह का रिश्ता अगर टूट जाए, तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि उस इंसान को भूलने के बजाय हम उन पलों को याद रख के उसे याद रखें जो अच्छे थे, क्योंकि बुराई तो हर चीज़ में होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको उसे भूलने की भी ज़रूरत नहीं है और आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहा कि कहने को तो बहुत कुछ है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। अच्छी बातों को याद रखते हैं, बुरी बातों को भूल जाते हैं। वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं। और फिर एक है कि कहते हैं कि ज़िंदगी से हमारा एक रिश्ता होता है, तो उसमें किस तरह से कभी हम उसे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं कि यार ये कैसी लाइफ है या क्या चल रहा है ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए कुछ लिखा है कि तुझसे भागे बहुत हैं, हर पल तुझसे लड़े भी हैं, हम खुद को सही साबित करने को कई बार अपनी जिद पर अड़े भी हैं। अब सब कुछ छोड़कर अपने हर गुरूर को तोड़कर, अब सब कुछ छोड़कर अपने हर गुरूर को तोड़कर, ऐ ज़िंदगी तुझे अपना हमसफ़र बनाते हैं। वो बहुत याद आती है चलो भूल जाते हैं, ज़िंदगी में एक नया सबक अपने आप को सिखाते हैं। चलिए, और अब कुछ एक दो शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम ज़िंदगी को जब छोटे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारे ख्वाब बदलते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कोई ख्वाब रहता है वो पूरा नहीं होता, तो लोग सोचते हैं कि यार, मतलब दिल टूट जाता है लोगों का। तो उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, थोड़ा मोटिवेशन के लिए, कि तो क्या हुआ कि पूरे सारे ख्वाब नहीं होते, तो क्या हुआ कि पूरे सारे ख्वाब नहीं होते, अधूरे ख्वाब ही इन आँखों को नए ख्वाब देते हैं। और अब शायरी ना, एक मतलब मेरा जो पहला इंटरेक्शन शायरी से, वो कुछ इस तरह से है कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है
और कभी आप किसी रिश्ते में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी रिश्ते में हैं तो, लेकिन सामने वाला या तो आपकी बातों में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक साइड से बात चल रही होती है, वो ही कह रहा है या कह रही है, दूसरा वाला बेचारा कुछ कहने जाए भी तो वो बात कट जाती है बीच में। तगाफुल हाँ, तगाफुल ना करोगे हाँ, ये तो खैर बहुत उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से मतलब एक आपके पास कविता हो तो आप पढ़िए, टाइम है। चलिए बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, एक शायर, एक कवि या हर वो कलाकार जो स्टेज पे आता है, उसके पास अगर ऑडियंस है तो भगवान मिल गया उसे, मतलब आप ये समझ लो। तो वो है कि कांपते होठों से कोई बात कहने को थे रुक गए, कांपते होठों से कोई बात कहने को थे रुक गए, तेरी मर्जी ही नहीं मुझे सुनने की तो चलो कोई और बात करते हैं। जो कहा तुझसे वो बातें कुछ अल्फाजों में सिमटकर रह गईं, जो सुना तुझसे उन्हें अपनी दुनिया बना लिया, न मैं हुआ शामिल न मेरी बातें ही तेरी बातों का हिस्सा हुई, बात ये सच है तो चलो कोई और बात करते हैं। और ये मैं थोड़ा सा ख़ास तवज्जो चाहूँगा इस पे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आप कुछ और सोचते हैं रिश्ते के बारे में और वो असल में कुछ और निकलता है। अच्छा पढ़ रहे हैं, हर बात पे तवज्जो। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ इससे है कि जुदा हो मुझसे तुम, जुदा हो मुझसे तुम, जब तुमने कहा तब एहसास हुआ, जुदा हो मुझसे तुम, जब तुमने कहा तब एहसास हुआ, तुझे अपना ही एक हिस्सा अब तक समझ रहे थे हम, मेरी पहचान ही है जब तुझसे जुदा तो इस पर बात क्या करनी, नहीं इस बात से भी सरोकार तुझे तो चलो कोई और बात करते हैं। चलिए और एक छोटी सी गज़ल है, वो कुछ इस तरह से है, मतलब अक्सर एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी है, कि किसी रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएं या बात करें कैसे करें क्या है। तो वो कुछ इस तरह से है कि हैगर अरमान ये उनका हो हमसे राबता कोई, हैगर अरमान ये उनका हो हमसे राबता कोई, ज़रा वो पास आ जाएं सखावत हम सिखा देंगे। है दिल में फिर भी ये उलझन, है दिल में फिर भी ये उलझन, मोहब्बत ये करे कैसे, ज़रा वो हाथ थाम लें मोहब्बत हम सिखा देंगे। और फिर अक्सर ये होता है, अक्सर मतलब ये लड़कियों की तरफ से ज़्यादा आता है कि घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या हम मैं किस तरह से फ़ेस करूँगी। तो वो उसके लिए कुछ इस तरह से है कि अगर है दिल में उनके कहीं जो डर ज़माने का, अगर है दिल में उनके कहीं जो डर ज़माने का, वो दामन तो थाम लें बगावत हम सिखा देंगे। चलिए अब एक कविता है, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा ओपिनियन है कि वो बगावती ज्यादा हो ये तो है, खैर मतलब शुरू शुरू में उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता है ना। मेरा ये मानना है कि नारी जो है उनसे ज्यादा अगर एक दृढ़ता की बात की जाए, किसी चीज को स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज स्थिर रहे, तो नारी से ज़्यादा स्थिर तो शायद कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा भरोसा दिलाना पड़ता है उन्हें कि आप उनके साथ हैं। चाणक्य कहा करते हैं कि नारी का भोजन पुरुष से 2 गुना होता है, लज्जा 4 गुनी होती है और साहस 6 गुना होता है। बिल्कुल सही बात है, चाणक्य कहते हैं बिल्कुल सही बात है। वैसे शायद इसी चक्कर में उन्होंने खुद शादी नहीं की, इतने साहस से डर गए वो। तो ये कुछ इस तरह से है कि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कोई इंसान हमें अच्छा लगता है, शादी शुरू थे तो शायद फिर मुझे ये बात बतानी थी, थैंक यू बताने के लिए। मैं ज़्यादा कहीं पढ़ा नहीं है मैंने इसके बारे में, पर चलिए कोई बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमें अच्छा लगने लगता है, अब हम नहीं जानते कि प्यार है अफेक्शन है क्या है, बट अच्छा लग रहा है भाई, तो अब कुछ तो कहना है। तो अब सीधे सीधे नहीं कह सकते कि भाई प्यार करते हैं, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कैसा है। तो उसके बारे में मैंने लिखा था कि ये मोहब्बत तो नहीं है हमने ये माना मगर, ये मोहब्बत तो नहीं है हमने ये माना मगर, उसके दिल में घर बनाने की आरजू का क्या करें, उसके दिल पर दस्तक देने की हर कोशिश बेकार रही, उसके दिल पर दस्तक देने की हर कोशिश बेकार रही, उसके दिल के दरवाजे पर उसकी नज़रें पहरेदार रहीं, मेरी हर कोशिश पर वो
मेरी हसरत पूछता है, मेरी हर कोशिश पर वो मेरी हसरत पूछता है, आरजू वे दिल जो उससे बयां ना कर सकें तो क्या करें। उसकी खुशियां मेरी दुआएं, उसका हर गम अपनाने की ख्वाहिश, वो समझ सके तो समझ ले ये बात बस इतनी सी है, वो जान कर अनजान है मेरे खुदा हम क्या करें। क्या और उसके दिल में मेरी चाहत इतनी सी तो हो कि वो, उसके दिल में मेरी चाहत इतनी सी तो हो कि वो, हो किसी भी गम में वो मुस्कुराकर चंद खुशियां मुझसे भी मांगा करे, ये मोहब्बत तो नहीं है हमने ये माना मगर, उसके दिल में घर बनाने की आरज़ू का क्या करें। और थैंक यू। अब लास्ट में एक शेर है, ये एक कहते हैं कि हर शायर का कोई सिग्नेचर होता है, तो उसके लिए कुछ मैंने इस तरह से लिखा है कि हो जाए अगर मुमकिन तो ये जज्बा संभाल कर रख लो, हो जाए अगर मुमकिन तो ये जज्बा संभाल कर रख लो, है अगर राबता हमसे तो ये रुतबा संभाल कर रख लो, है अगर राबता हमसे तो ये रुतबा संभाल कर रख लो, और किसी से बात हो करनी तो मेरे अंदाज में कर सकते हो, किसी से बात हो करनी तो मेरे अंदाज में कर सकते हो, है तोहफा दोस्ती का ये मेरा लहजा संभाल कर रख लो। क्या